श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 18 भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने आनंद विभोर साथियों से घिरे हुए जो निरंतर उनके यश का गान कर रहे थे, श्री कृष्ण ब्रज ग्राम में प्रविष्ट हुए जो गोवों के झुंडों से मंडित था। जब कृष्ण तथा बलराम इस तरह से सामान्य ग्वाल बालों के वेश में वृंदावन में जीवन का आनंद ले रहे थे, तो शैने शैने ग्रीष्म ऋतु आ गई। यह ऋतु देहधारियों को अधिक सुहावनी नहीं लगती, फिर भी क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण बलराम सहित वृंदावन में रह रहे थे, अतएव ग्रीष्म ऋतु वसंत के गुण प्रकट कर रही थी। वृंदावन की भूमि के ऐसे हैं गुण। वृंदावन में झरनों की तीव्र ध्वनि से झिंगूरों की झंकार छिप गई और उन झरनों की फुहार से निरंतर नम रहते हुए वृक्षों के समूहों ने संपूर्ण क्षेत्र को मंडित कर दिया। सरोवरों की लहरों तथा बहती हुई नदियों का स्पर्श करती हुई अनेक प्रकार के कमलों तथा कमलिनियों के पराग कण अपने साथ लेती हुई वायु संपूर्ण वृंदावन को शीतल बनाती थी। इस तरह वहां के निवासियों को ग्रीष्म की जलती धूप तथा मौसमी दावा अग्नियों से उत्पन्न गर्मी से कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। निसंदेह वृंदावन ताजी हरी भरी घास से भरा पूरा था। गहरी नदियां अपनी उठती लहरों से अपने तटों को तर करके उन्हें गीला तथा दलदला बना देती थी। इस तरह विष की तरह विकराल सूर्य की किरणें न तो पृथ्वी के रस को उड़ा पाती न इसकी हरी घास को सुखा पाती। फूलों से वृंदावन बड़े ही सुंदर ढंग से सजा हुआ था और नाना प्रकार के पशु तथा पक्षी अपनी ध्वनि से उसे पूरित कर रहे थे। मोर तथा भौरे गा रहे थे और कोयल तथा सारस कुह कुह कर रहे थे। क्रीड़ा करने की इच्छा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ग्वाल बालों भगवान बलराम सहित तथा गोवों से गिर कर अपनी बांसुरी बजाते हुए वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट हुए। पोपलों मोर पंखों मालाओं फूल की कलियों के गुच्छों तथा रंग बिरंगे खनिज पदार्थों से अपने आप को सजाकर बलराम कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र नाचने लगे, कुश्ती लड़ने तथा गाने लगे। जब कृष्ण नाचने लगे तो कुछ बालक गाकर और कुछ बांसुरी हाथ के मंजीरे तथा भैंसों के सिंह भजा भजा कर उनका साथ देने लगे तथा कुछ अन्य बालक उनके नाच की प्रशंसा करने लगे। हे राजन, देवताओं ने गोप जाति के सदस्यों का वेश बनाया और जिस तरह नाटक के नर्तक दूसरे नर्तक की प्रशंसा करते हैं, उसी तरह उन्होंने ग्वाल भालों के रूप में प्रकट हुए कृष्ण तथा बलराम की पूजा की।
कृष्ण तथा बलराम चक्कर काटते, कूदते, फेंकते, थपथपाते तथा लड़ते भिड़ते हुए अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलने लगे। कभी कभी कृष्ण तथा बलराम बालकों के सिरों की चुटिया खींच लेते थे। हे राजन, जब अन्य बालक नाचते होते तो कृष्ण तथा बलराम कभी कभी गीत तथा वाद्य संगीत से उनका साथ देते और कभी कभी वे दोनों बहुत अच्छा कहकर लड़कों की प्रशंसा करते थे। ग्वाल बाल कभी बिल्व तथा कुंभ फलों से खेलते और कभी मुट्ठी में आमलक फलों को लेकर खेलते। कभी वे एक दूसरे को छूने का या आंख मिचोनी के समय किसी को पहचानने का खेल खेलते तो कभी वे पशुओं तथा पक्षियों की नकल उतारते। कभी कभी वे मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते, कभी तरह तरह के हाथ परिहास करते, कभी झूले में झूलते और कभी राजाओं की नकल उतारते। इस तरह से कृष्ण तथा बलराम वृंदावन की नदियों, पर्वतों, घाटियों, कुंजों, वृक्षों तथा सरोवरों के बीच घूमते हुए सभी प्रकार के प्रसिद्ध खेल खेलते रहते। इस तरह जब उस वृंदावन के जंगल में राम, कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र गांव में चरा रहे थे तो प्रलंब नामक असुर उनके बीच में घुस आया। कृष्ण तथा बलराम का हरण करने के इरादे से उसने ग्वाल भाल का वेश बना लिया था। क्योंकि दशारह वंश में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखते हैं, अतएव वे जान गए कि वह असुर कौन है। फिर भी भगवान ने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वे उसे अपना मित्र मान चुके हों, जबकि वे गंभीरता पूर्वक यह विचार कर रहे थे कि उसको कैसे मारा जाए। तब समस्त क्रीड़ाओं के ज्ञाता कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, हे ग्वाल बालों, अब चलो खेलें, हम अपने आप को दो समान टोलियों में बांट लें। ग्वाल बालों ने कृष्ण तथा बलराम को दोनों टोलियों का अगुआ नायक चुन लिया। कुछ बालक कृष्ण की ओर से और कुछ बलराम के साथ थे। बालकों ने तरह तरह के खेल खेले जिनमें पीठ पर चढ़ना तथा उठाना जैसे खेल होते हैं। इन खेलों में जीतने वाले हार जाने वालों की पीठ पर चढ़ते हैं और हारने वाले उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं। इस तरह एक दूसरे पर चढ़ते और चढ़ाते हुए और साथ ही गोवे चराते सारे बालक कृष्ण के पीछे पीछे पांडरिक नामक बरगद के पेड़ तक गए। हे राजा परीक्षित, जब इन खेलों में भगवान बलराम की टोली के श्री धामा, वृषभ तथा अन्य सदस्य विजयी होते तो कृष्ण तथा उनके साथियों को उन सबों को अपने ऊपर चढ़ाना पड़ता था। हार कर भगवान श्री कृष्ण ने श्री धामा को अपने ऊपर चढ़ा लिया, भद्रसेन ने वृषभ को तथा प्रलंब ने रोहिणी पुत्र बलराम को चढ़ा लिया। भगवान कृष्ण को दुर्दम सोच कर वह जाना आना असुर प्रलंब बलराम को तेजी से उस स्थान से बहुत आगे ले गया जहां उतारना निश्चित किया गया था। जब वह महान असुर बलराम को लिए जा रहा था तो वे विशाल सुमेरु पर्वत की तरह भारी हो गए, जिससे प्रलंब को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। इसके बाद उसने अपना असली रूप धारण किया।
तेजमय शरीर जो सुनहरे आभूषणों से ढका था और उस बादल के समान लग रहा था जिसमें बिजली चमक रही हो और जो अपने साथ चंद्रमा लिए जा रहा हो। जब हलधर भगवान बलराम ने आकाश में विचरण करते हुए उस असुर की जलती हुई आंखें अग्नि सदृश भाल बहुत तक उठे भयानक दांत तथा उसके बाजू बंधों मुकुट तथा कुंडलों से उत्पन्न आश्चर्यजनक तेज युक्त विराट शरीर को देखा तो वे कुछ कुछ भयभीत से हो गए। वास्तविक स्थिति का स्मरण करते हुए निर्भीक बलराम की समझ में आ गया कि यह असुर मेरा अपहरण करके मुझे मेरे साथियों से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। तब वे क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने असुर के सिर पर अपनी कठोर मुट्ठी से उसी तरह प्रहार किया जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र अपने वज्र से पर्वत पर प्रहार करते हैं। बलराम की मुट्ठी के प्रहार से प्रलंब का सिर तुरंत ही फट गया। वह मुख से रक्त उगलने लगा और बेहोश हो गया। तत्पश्चात वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर भीषण धमाके के साथ ऐसे गिर पड़ा मानो इंद्र द्वारा विनष्ट कोई पर्वत हो। ग्वाल बाल यह देखकर अत्यंत चकित थे कि बलशाली बलराम ने किस तरह प्रलंबासुर को मार डाला और वे सभी बहुत खूब कहकर चिल्ला उठे। उन्होंने बलराम को खूब आशीर्वाद दिया और सभी तरह की प्रशंसा के पात्र होने के कारण उनकी खूब प्रशंसा की। उनके मन प्रेम से विभोर हो उठे और उन्होंने उनका इस प्रकार आलिंगन किया मानो वे मर कर लौटे हों। पापी प्रलंबासुर के मारे जाने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम पर फूल मालाओं की वर्षा की। उन्होंने उनके उत्तम कार्य की प्रशंसा की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध नामक 18वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।